इन दिनों बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को जान से मारने की धमकी भरे लेटर और कॉल्स आ रहे हैं, जिसके चलते सलमान के साथ इनके घर वाले भी बहुत डरे हुए हैं, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि कभी सलमान खान पर तो 4 लाख की राइफल भी फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बच गए हैं। तो आखिर कब और कैसे सलमान पर 4 लाख की राइफल फेल हुई, आइए जानते हैं इसी के बारे में। बी टाउन के भाईजान यानी कि अभिनेता सलमान खान इन दिनों मिल रहे थ्रेट्स लेटर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में बने हैं, जिस वजह से अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है और सलमान की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। पर आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सलमान को जान से मारने की धमकी मिल रही है, बल्कि इससे पहले भी एक बार सलमान खान पर 4 लाख की राइफल फेल हो चुकी है, जिसके चलते आज सलमान सही सलामत हमारे बीच है, जिसका खुलासा खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने किया है। खबरों के मुताबिक बता दें, जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2021 में सुरक्षा एजेंसी द्वारा पूछताछ में सलमान को जान से मारने की साजिश की बात को कबूल किया है। रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस ने साफ साफ कहा है कि सलमान को मारने के लिए उन्होंने राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा से कहा था, मगर संपत के पास पिस्टल थी, जिसके चलते ज़्यादा दूर तक निशाना नहीं लग सका और इसीलिए दूरी कम होने की वजह से संपत सलमान को नहीं मार सके, जिसके बाद खुद लॉरेंस ने अपने गाँव के दिनेश फौजी के जरिए 4 लाख की के स्प्रिंग राइफल मंगवाई। लेकिन बताया जा रहा है, जब राइफल दिनेश के पास थी तभी वो पुलिस के हाथ लग गई और इसके बाद संपत को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते मान की जान बच गई और 4 लाख की राइफल फेल हो गई। तो दोस्तों, क्या इस बार लॉरेंस बिश्नोई अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।